डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत एक्सरसाइज। इसके पहले जो इसका वीडियो है कॉन्सेप्चुअल, वो हम दे चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। और भी बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड वीडियो हैं और लगभग रोज ही वीडियो दिया जाता है, आप जरूर उनको देखें, एंजॉय करें, सीखें और अधिक से अधिक। तो ये जो एक्सरसाइज के वीडियोस हम दे रहे हैं ये आपकी मोर प्रैक्टिस के लिए है, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज भी बनने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं इससे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पर जाता हूँ। इसमें क्या होगा, वाक्य के अंत में, हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थे, ए थे, इनमें से कोई एक मिलेगा, ये पहचान होगी सेंटेंस की। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको हेड लगेगा, इसमें हेड लगाना पड़ेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब सीधा एग्जाम्पल एक्सरसाइज से आते हैं तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला जो सेंटेंस है वो है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो समझे चुका था, ये चूंकि सिंपल सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, इस तरीके से ये बनेगा। तो देखें, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो मैं माने आई, तो आई के लिए देखें, आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, इस तरीके, ऑलरेडी माने पहले से ही, या इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैड हियर्ड दिस न्यूज बिफोर, मैं यह न्यूज उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी छूट चुकी थी। अब इस सेंटेंस में दो कार्य हैं, उसका स्टेशन पर पहुंचना एक कार्य और रेलगाड़ी का छूटना दूसरा कार्य। तो जब दो कार्य हों तो देख लेते हैं कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, या किसके कौन से कार्य के की ओर पहले इशारा हो रहा है उसके समाप्त होने की ओर। तो जो कार्य पहले समाप्त हो या जिस पर इशारा हो उसको हम परफेक्ट बनाते हैं, और जो बचा रहता है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। यानी पहले वाला पास्ट परफेक्ट बनाएंगे और फिर जो बचा रहेगा उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो लेकिन शुरुआत हमेशा पीछे से ही करेंगे, रेलगाड़ी छूट चुकी थी, तो देखते हैं कैसे बनेगा, द ट्रेन हेड लेफ्ट, द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखते हैं, सूरज निकलने के बाद वह उठा था, सूरज निकलने के बाद वह उठा था। तो ध्यान रखें, सूरज निकलने के बाद, इसमें भी दो कार्य हैं, एक सूरज का निकलना और उसका उठना। तो पीछे से हम शुरुआत करेंगे, तो सूरज पहले निकल चुका है और बाद में वह उठा है, तो जो सूरज निकलने वाला वाक्य है वो परफेक्ट बनाएंगे और लास्ट वाला बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन पीछे से शुरुआत हम करेंगे। तो सूरज निकलने के बाद वह उठा था, तो ही गॉट अप, गेट अप माने उठना, आफ्टर द सन हैड राइजन, इस तरीके से। नेक्स्ट, जब हरी कॉलेज पहुंचा तो ड्रामा समाप्त हो चुका था। ध्यान दें, जब हरी कॉलेज पहुंचा तो ड्रामा समाप्त हो चुका था। अब इसमें भी दो कार्य हैं, लेकिन इसमें क्लॉज के रूप में एक शर्त दी है, जब हरी कॉलेज पहुंचा, तो इसमें बेन का प्रयोग हुआ, तो ड्रामा समाप्त हो चुका था। यहां तो के लिए हम कॉमा लगाएंगे, इसमें जब हरी कॉलेज पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट में और पीछे वाला पास्ट परफेक्ट में। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, जब हरी कॉलेज पहुंचा, तो वेन हरी रीच्ड द कॉलेज, ये कॉलेज अकेला भी लिख सकते हैं,
तो के लिए कॉमा, द ड्रामा हैड फिनिश्ड, द ड्रामा हैड फिनिश्ड, इस तरीके से हो जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट, उसने मुझे बताया कि वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया, ध्यान दें इसमें भी दो सेंटेंस, उसने मुझे बताया, इतना जो सेंटेंस बोला कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है और लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट में, देखने में प्रेजेंट परफेक्ट है, ध्यान दें इसको सेंटेंस को जरा, उसने मुझे बताया। अब आगे वाली जब क्लॉज पास्ट में हो जाती है तो पीछे वाली क्लॉज को भी पास्ट में ले जाते हैं, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है अंत में, लेकिन ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए क्योंकि उसने मुझे बताया, इतना सेंटेंस जो है, इतनी क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पीछे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के हिसाब से पीछे भी परफेक्ट में चली आएगी। तो उसने मुझे बताया, तो ही टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी दैट, कि वह अपना पाठ याद कर चुका है, ही हैड लर्नड हिज लेसन, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, 8 बजे तक सब होटल बंद हो चुके थे, 8 बजे तक सब होटल बंद हो चुके थे, तो इसमें तो एक ही सेंटेंस है, सब होटल बंद हो चुके थे, तो ऑल द होटेल्स क्लोज होता है बंद करना, हो चुके थे तो हैड बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन क्लोज्ड, वो कब तक, टिल 8 o'clock, 8 बजे तक, नेक्स्ट देखें, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। अब ध्यान दें, डॉक्टर का आना एक कार्य है, मरीज का मरना दूसरा कार्य, तो पीछे से हम बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर किम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी, तो द पुलिस पीछे से बनेगा, द पुलिस रीच्ड देयर आफ्टर द थीप हेड रन अवे, यहां चोर के जाने का मतलब है चोर का भाग जाना, तो रन अवे हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जब हम कॉलेज पहुंचे तब घंटी बज चुकी थी, इसमें जब के रूप में सेंटेंस है, तो समझे कैसे बनेगा, जब हम कॉलेज पहुंचे, इतना पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो वेन वी रीच्ड कॉलेज, रीच्ड द कॉलेज, तो के लिए कॉमा, ध्यान दें घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग, नेक्स्ट रिंग रेंग रंग, थर्ड फॉर्म, 18 वर्ष की अवस्था में मैं ग्रेजुएट हो चुका था, तो पीछे से बनाएंगे, आई हैड बीन, मैं हो चुका था, आई हैड बीन ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड एट द एज ऑफ 18, एट द एज ऑफ 18। नेक्स्ट, पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी, पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी, यहां 2000 गांव बिजली प्राप्त कर चुके थे, ये अर्थ है, तो होगा 2000 विलेजेस हैड, अब बिजली मिल चुकी थी माने उनको इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया था, हैड बीन
हो चुके थे, हैड बीन इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड, हैड बीन इलेक्ट्रीफाइड, और कब तक? पिछले वर्ष की समाप्ति तक. तो वाई द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, जो कुछ मैंने उसके लिए किया, उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया. अब ये पीछे से बनाएंगे, उसने मुझे धन्यवाद दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट बनाए, ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट, जो कुछ, फॉर माने के लिए, फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हिम, इस तरीके से ये बनेगा, जो कुछ मैं उसके लिए कर चुका था. आगे देखें अगला, यदि मैं वहां चला जाता तो वह मेरी मदद कर देता. अब इस सेंटेंस को समझे, यदि मैं वहां चला जाता तो वह मेरी मदद कर देता, माने कर चुका होता. तो इस सेंटेंस को समझे, इफ आई हैड गॉन देयर, अगर मैं वहां चला जाता तो के लिए कॉमा, ही वुड हैव. अब ध्यान दें, यहां कल्पना की बात हो रही है, तो अगर आगे वाला वाक शर्त जिसमें है वो पास्ट परफेक्ट में है तो पीछे वाले में वुड हैव लगेगा, ही वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वुड हैव हेल्प्ड मी. आगे देखें, चलने से पहले रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी, चलने से पहले, या तो बिफोर स्टार्टिंग पहले से कर दें, या इसको लास्ट में कर दें. रेलगाड़ी ने 2 बार सीटी दी थी, द ट्रेन हैड विसिल्ड 2 times, 2 बार, बिफोर इट स्टार्टेड. नेक्स्ट, चुनाव जीतने के पश्चात वह अपने विरोधियों से भी प्रेम पूर्वक मिला. चुनाव जीतने के पश्चात वह अपने विरोधियों से भी प्रेम पूर्वक मिला, पीछे से बनाएंगे इसको, ही मेट, मिला, विद हिज ओपोनेंट्स, ही मेट विद हिज ओपोनेंट्स अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली माने प्रेम पूर्वक, आफ्टर ही हैड वॉन द इलेक्शन, इलेक्शन माने चुनाव. अगली एक्सरसाइज आते हैं, ये एक्सरसाइज नेगेटिव है, तो इसमें हैड के बाद नॉट लग जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म. तो उसको ध्यान दें जरा, पहला सेंटेंस है, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था, पहले कभी नहीं देखा था. तो ध्यान दें इसको, आई हैड नेवर सीन दिस सिटी, मैंने यह शहर पहले कभी नहीं देखा था. आई हैड नेवर सीन दिस सिटी बिफोर, बिफोर माने पहले. नेक्स्ट, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था. तो पीछे से बनाएंगे, वर्षा प्रारंभ होने से पहले वह घर नहीं लौटा था, तो ही हैड नॉट रिटर्न होम बिफोर इट बिगेन टू रेन, इस तरीके से, ही हैड नॉट रिटर्न होम बिफोर इट बिगेन टू रेन. नेक्स्ट आओ, चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था, चाय पीने से पहले उसने स्नान नहीं किया था, तो ही हैड नॉट
टेक इन बाथ बिफोर ही टुक टी. टेक टी माने होता है चाय को पीना या ग्रहण करना. ही हैड नॉट टेकन बाथ बिफोर ही टुक टी. या टेकन बाथ की जगह हम वाथ्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से. वाथ्ड. नेक्स्ट. नॉट गेट. फिर से देखें, मुझे परसों तक आपका पत्र नहीं मिला था. तो आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर लेटर टिल द डे बिफोर यस्टरडे. द डे बिफोर यस्टरडे. द डे बिफोर यस्टरडे माने होता है बीता हुआ परसों. नेक्स्ट. सूरज छिपने से पहले हरी घर नहीं जा चुका था. सूरज छिपने से पहले हरी घर नहीं जा चुका था. तो देखें, तो हरी हैड नॉट गॉन होम बिफोर सनसेट. नेक्स्ट. रोगी के ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे. द डॉक्टर डिड नॉट कम. रोगी के ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे. तो द डॉक्टर डिड नॉट कम आफ्टर द पेशेंट हैड गॉट वेल. गेट वेल माने होता है ठीक होना, तो गॉट वेल हो जाएगा. नेक्स्ट. राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ है. राम ने कहा कि सतीश पास नहीं हुआ है. तो ध्यान दें जरा, राम ने कहा इतना पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा आपका, और पीछे का बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि आगे वाला वाक्य जब पास्ट में हो जाता है आगे वाली क्लॉज, तो पीछे वाली क्लॉज को हम पास्ट में ही ले जाते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. ध्यान दें कैसे बनेगा. राम ने कहा, राम सेड दैट. सतीश पास नहीं हुआ है. सतीश हैड नॉट पास्ट. नेक्स्ट. विनोद को कल तक मनी ऑर्डर नहीं मिला था. तो विनोद हैड नॉट रिसीव्ड द मनी ऑर्डर कल तक टिल यस्टरडे. नेक्स्ट. देखते हैं, हमने इतना बेईमान आदमी पहले कभी नहीं देखा था. तो हमने इतना बेईमान आदमी पहले कभी नहीं देखा था. तो वी हैड नेवर सीन such a dishonest man माने बेईमान, मैन बिफोर माने पहले. नेक्स्ट देखते हैं, वी हैड नेवर सीन सच अ डिसऑनेस्ट मैन बिफोर. मेरे स्कूल जाने से पहले वर्षा समाप्त नहीं हुई थी. मेरे स्कूल जाने से पहले वर्षा समाप्त नहीं हुई थी. देखिए, मेरे स्कूल जाने से पहले वर्षा समाप्त नहीं हुई थी.
दरीन हैड नॉट फिनिश्ड बिफोर आई वेंट टू स्कूल. नेक्स्ट, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी. मेरे स्कूल पहुंचने से पहले कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी. द क्लासेस हैड नॉट स्टार्टेड. द क्लासेस हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्कूल. नेक्स्ट, श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी. श्याम के आ जाने के बाद हमने पढ़ाई नहीं की थी. तो वी डिड नॉट स्टडीड आफ्टर श्याम हैड कम. वी डिड नॉट स्टडीड आफ्टर श्याम हैड कम. नेक्स्ट, लखनऊ जाने से पहले उसने मुझे कुछ नहीं बताया था. लखनऊ जाने से पहले उसने मुझे कुछ नहीं बताया था. तो ही हैड नॉट टोल्ड मी एनीथिंग. एनीथिंग माने कुछ भी. बिफोर ही वेंट टू लखनऊ. नेक्स्ट, नेक्स्ट है, उपद्रव का कारण बनने से पहले ही पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया था. उपद्रव का कारण बनने से पहले ही पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया था. इसको समझे, तो द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कंस्पिरेटर्स. कंस्पिरेटर्स बिफोर दे कॉज्ड. बिफोर दे कॉज्ड द आउटरेज. आउटरेज माने होता है षड्यंत्र. बिफोर दे कॉज्ड द आउटरेज या डिसऑर्डर भी कर सकते इसकी जगह. तो पुलिस ने षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार नहीं किया था. द पुलिस हैड नॉट अरेस्टेड द कंस्पिरेटर्स बिफोर दे कॉज्ड द आउटरेज या दे बिकेम. ऐसे भी कर सकते, दे बिकेम, वे हो गए द कॉज ऑफ आउटरेज. ऐसा भी बोल सकते हम इसको. नेक्स्ट देखें, पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था. पुलिस के आने से पहले झगड़ा शांत नहीं हुआ था. तो द डिस्प्यूट हैड नॉट सेटल्ड. द डिस्प्यूट हैड नॉट अब होना हैड नॉट बीन सेटल्ड. बी की थर्ड फॉर्म बीन सेटल्ड. बिफोर द पुलिस केम. नेक्स्ट, अब अगली एक्सरसाइज होगी आपकी इंटेरोगेटिव पर बेस्ड. क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक पढ़ा चुके थे. क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे. ध्यान दें, क्या शब्द पहले आया है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगी. तो जो सेंटेंस हम आगे लिखते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब
पहले लेते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट वाला आगे होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और पास्ट परफेक्ट वाला आगे होगा तो उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो देखें, क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे, तो पीछे वाला आएगा पहले, तो हैड द टीचर हैड द टीचर टॉट टॉट ग्रामर बिफोर आई एंटर्ड द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। नेक्स्ट है, क्या मेरे सोने से पहले ही वह दूध पी चुका था, क्या मेरे सोने से पहले ही वह दूध पी चुका था, तो हैड ही क्या होगा, हैड ही ड्रंक मिल्क बिफोर आई स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था, तो डिड आई गो टू हिज हाउस आफ्टर, खाना खाने के बाद आई हैड टेकन फूड, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्या तुम्हारे जाने के बाद वह सिनेमा चला गया था, क्या तुम्हारे जाने के बाद वह सिनेमा चला गया था, तो डिड ही गो टू द मूवी, मूवी माने होता है सिनेमा, आफ्टर, तुम्हारे जाने के बाद, यू हैड गॉन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखें, रवि ने मेरे जागने से पहले ही यह काम कैसे कर लिया था। अब मेरा जागना एक कार्य है और रवि का काम समाप्त करना दूसरा कार्य है, तो जो पीछे वाला सेंटेंस उसमें रवि करता है, देखें तो हाउ आएगा पहले क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ हैड रवि फिनिश्ड दिस वर्क, रवि ने मेरे जागने से पहले ही यह काम कैसे समाप्त कर लिया था, तो हाउ हैड रवि फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर आई गॉट अप या वोक अप, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या दवाई लेने से पहले माताजी सो गई थी, तो देखिए क्या दवाई लेने से पहले माताजी सो गई थी, तो हैड मदर स्लेप्ट बिफोर सी टुक मेडिसिन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखें, कुत्ते के भौंकने से पहले चोर क्या कर चुका था, तो कुत्ते के भौंकने से पहले चोर क्या कर चुका था, तो क्या बीच में आया है तो वॉट लगेगा, तो होगा वॉट हैड द थीफ, वॉट हैड द थीफ डन बिफोर द डॉग बार्कड, बार्क माने होता है भौंकना। नेक्स्ट, 7 बजने से पहले कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुंच चुके थे, 7 बजने से पहले कितने विद्यार्थी कॉलेज पहुंच चुके थे, कितने विद्यार्थी पहले आएगा, तो
हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैड रीच्ड द कॉलेज बिफोर, कितने बजे से पहले? 7 बजने से पहले, बिफोर 7 o'clock. नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन मार्क. अगला देखें, मेरे सोने के बाद किसने दरवाजा खटखटाया था? किसने माने कौन? तो हो. मेरे सोने के बाद किसने दरवाजा खटखटाया था? समझे? तो हु डिड, हु नॉक्ड. हु के साथ सीधा सेकेंड फॉर्म ले लेंगे, हु नॉक्ड एट द डोर. एट द डोर, हु नॉक्ड एट द डोर आफ्टर आई हैड स्लेप्ट? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, कल से पहले वह कितनी किताबें बेच चुका था? कल से पहले वह कितनी किताबें चुक, तो कितनी किताबें पूरा लेंगे हम क्वेश्चन वर्ड के रूप में. हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स हैड ही सोल्ड बिफोर यस्टरडे? क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, क्या आंधी आने से पहले उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं किए थे? क्या आंधी आने से पहले उन्होंने खिड़कियां और दरवाजे बंद नहीं किए थे? तो दे, तो पहले हैड आएगा, हैड दे, फिर आएगा नॉट, क्लोज्ड डोर्स, खिड़कियां और दरवाजे, यानी विंडोज एंड डोर्स. विंडोज माने खिड़कियां एंड डोर्स. और बिफोर, बिफोर स्टॉर्म, तूफान से पहले. स्टॉर्म माने आंधी या तूफान. स्टॉर्म, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, यहां क्लोज ना करके यहां सट करेंगे हम. दरवाजे का बंद करना सट होता है. सट की थर्ड फॉर्म भी सट ही होती है. नेक्स्ट देखें, जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तब क्या हत्यारा भाग चुका था? तब क्या हत्यारा भाग चुका था? ये जो क्या है बीच में जो दिया है वो एक्चुअली में कंफ्यूज करने के लिए दिया है. ये ऐसे सेंटेंस होगा कि क्या जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तब क्या हत्यारा भाग चुका था? ऐसे सेंटेंस होगा ये. क्या हत्यारा भाग चुका था जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची? तो इस तरीके से होगा, हैड द मर्डरर, मर्डरर रन अवे, भाग चुका था. वेन द पुलिस, वेन द पुलिस रीच्ड, जब पुलिस पहुंची. रीच द प्लेस ऑफ इंसिडेंट, प्लेस माने होता है स्थल, इंसिडेंट माने होता है घटना. प्लेस ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, दीप ने 5 बजे के बाद अपना काम पूरा कर लिया था, यानी कर चुका था. तो देखें, हेड प्रदीप, हेड प्रदीप डन हिज वर्क आफ्टर 5 o'clock, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट है, अपने माता पिता को अपने साथ ले जाने के बाद वह कहाँ गया था? तो कहाँ गया था, तो वेयर डिड ही गो आफ्टर ही हैड टेकन, टेकन आफ्टर ही हैड टेकन हिज पेरेंट्स विद हिम
तो वेयर डिड ही गो आफ्टर ही हैड टेकन हिज पेरेंट्स विद हिम. अब नेक्स्ट, तो वाई अपनी मजदूरी लेने से पहले ही उसने गड्ढा क्यों नहीं खोदा था. तो वाई हैड ही नॉट डिग, माने होता है खोदना, तो डिग डग, डग होती है थर्ड, डग द पिट बिफोर ही टुक हिज वेजेस. वेजेस माने होता है मजदूरी, क्वेश्चन मार्क. तो इस तरीके से जो ये एक्सरसाइज है वो यही समाप्त होती है. आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें. आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.